आपने कई बार न्यूज में सुना होगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसा और पावर से एमपीज को खरीद लिया, वहां की सरकार गिर गई, एमपीज को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन ये सारी चीजें होती कैसे हैं? देखिए, इंडिया के अंदर एक रूल है बाय इलेक्शन का। अगर किसी एरिया में एमपी रिजाइन कर दे या किसी की डेथ हो जाए या फिर किसी भी रीजन की वजह से सीट खाली हो जाए तो उस सीट के लिए फिर से इलेक्शन होगा और नया मेंबर चुना जाएगा। इस रूल का फायदा उठा के पार्टीज ऑपोजिशन पार्टीज के एमपीज के साथ सांठगांठ करके उनसे रेजिग्नेशन करवा देती है और फिर जब दोबारा इलेक्शन होने होते हैं तो सेम कैंडिडेट को अपनी पार्टी से चुनाव के लिए खड़ा कर देती है। कई बार नतीजे पार्टी के फेवर में आते हैं। उसका फायदा ये होता है कि दोबारा पावर में आने के लिए पार्टीज को 5 साल का वेट नहीं करना होता है। और जब ये सौदेबाजी बहुत ज्यादा एमपीज के साथ होती है तो पूरी स्टेट गवर्नमेंट का तख्ता पलट हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम के चलते कॉमन लोग यानी टैक्स पेयर का पैसा और इलेक्शन कमीशन का टाइम दोनों बर्बाद होता है।